अब हम देखेंगे कि सम में फार्मूला क्या होता है। सम में फार्मूला और सम का जो फार्मूला है वो दोनों डिफरेंट है। सम जो होता है वो ऑटो सम होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये सेल्स हैं, अगर हम इस सेल्स वाले कॉलम में जितनी भी तमाम वैल्यूज हैं उनका ऑटो सम लेना चाहें तो मैं ऑटो सम पे क्लिक करूंगा और ये इक्वल प्रेस कर दूंगा, तो ये जो डाटा होगा ये ऑटो सम है, ये सम किया है इन तमाम वैल्यूज को। सम इफ फार्मूला, अब सम इफ फार्मूला जो है वो किस लिए यूज होता है, वो आप स्पेसिफिक कोई क्राइटेरिया अगर लगा दें तो हम वो वैल्यू फाइंड करने के लिए सम इफ फार्मूला यूज करते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सेल डिटेल है, डिफरेंट कस्टमर्स हैं, ये मेरे पास 9 कस्टमर्स हैं, ये डिफरेंट सिटीज से हैं, डिफरेंट रीजन से हैं, डिफरेंट उनकी कैटेगरी है और उन कैटेगरी से रिलेटेड जो है वो सेल को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब अगर मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँ कि मैं रीजन वाइज जो अलग अलग देखना चाहूँ कि रीजन में किस रीजन में कौन जो है सेल कितनी हुई है, तो वो मैं सेपरेटली देख सकता हूँ सिर्फ सम इफ्स का फार्मूला लगा के। अगर मैं देखना चाहूँ वेस्ट में कितनी सेल है, नॉर्थ में कितनी है, सेंट्रल में कितनी है, तो वो तमाम के तमाम हम रीजन्स की वन बाय वन सेपरेटली जो है सम इफ्स वाला फार्मूला यूज करते हुए सेल डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चेक करते हैं पहले साउथ में जो सेल डिटेल है, सेल डिटेल इन साउथ लिखेंगे हम यहाँ पे फार्मूला इक्वल्स सम इफ्स, टैब प्रेस करेंगे तो सम रेंज देखना चाह रहे हैं हम, किसकी सम रेंज देखना चाह रहे हैं, सेल्स की कॉमा, हम सेल्स की रेंज देखना चाह रहे हैं वो कॉमा क्राइटेरिया रेंज, किस क्राइटेरिया में आप रेंज देखना चाह रहे हैं, मतलब कि हम ये सेल डिटेल देखना चाह रहे हैं इस रीजन में रहते हुए कॉमा। अब यहां पे बताना है हमने क्राइटेरिया वन, फर्स्ट क्राइटेरिया कि आप इसमें कौन से स्पेसिफिक क्राइटेरिया की जो है सेल डिटेल देखना चाह रहे हैं। अब ये रीजन जो है हमारा, इस रीजन वाले कॉलम में सेल डिटेल चेक कर रहे हैं साउथ की, तो साउथ वाले जो सेल्स होंगे उनमें से किसी एक साउथ वाले सेल पे क्लिक कर देंगे। लेट्स सपोज मैं ये फर्स्ट सेल पे क्लिक कर देता हूँ जो साउथ वाला है, एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये साउथ की डिटेल आ जाती है। अब चूंकि ये जो है सेल फॉर्मेट इसका मैंने डॉलर्स में नहीं चेंज किया, इसका हम फॉर्मेट सेल कर लेते हैं, करेंसी डॉलर में, डेसिमल प्लेसेस कोई नहीं चाहिए, ओके कर देते हैं तो मेरे पास ये डेसिमल प्लेस में शो हो जाएगा। अब ये है डिटेल हमारी साउथ की। अब मैं आगे देखना चाहता हूं वेस्ट की, तो वेस्ट के लिए लिखेंगे इक्वल सम इफ्स टैब, इस रेंज को देखना चाह रहे हैं कॉमा, इस रेंज में देखना चाह रहे हैं कॉमा, कैटेगरी कौन सी देखना चाह रहे हैं अब वेस्ट की, इसी तरीके से वेस्ट वाले पे क्लिक करके एंटर प्रेस करते हैं तो ये मेरे पास सेल डिटेल आ गई है वेस्ट की। नॉर्थ की देखना चाह रहे हैं तो लिखेंगे इक्वल्स सम इफ्स, इसकी सेल डिटेल देखना चाह रहे हैं हम कॉमा, इस रीजन वाले एरा में कॉमा, और कौन सी स्पेसिफिक देखना चाह रहे हैं नॉर्थ की, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नॉर्थ की जो है सेल डिटेल आ गई है। अब हम सेंट्रल की चेक करना चाहते हैं इक्वल्स सम इफ्स, इस रेंज को देखना चाह रहे हैं हम इस एरा में कौन सा है हमारे पास स्पेसिफिक, अब रीजन सेंट्रल, सेंट्रल की देखना चाह रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी सेंट्रल की सेल डिटेल आ गई है। ये तो सेल डिटेल हमने सम इफ्स वाले फार्मूला से चेक की है डिफरेंट रीजन्स की। अब अगर हम देखना चाहें कि स्पेसिफिक रीजन में किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की सेल डिटेल, तो वो किस तरीके से देख सकते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूं, अच्छा जी अब यहां पे हमने देखनी है फर्नीचर की, साउथ में फर्नीचर की देख लेते हैं, वेस्ट में ऑफिस सप्लाईज, नॉर्थ में हम चेक करते हैं फर्नीचर की, और सेंट्रल में हम चेक कर लेते हैं ऑफिस सप्लाईज की।
अब ये हमने सेल डिटेल देखनी है, तो सेल डिटेल इसकी देखने के लिए अब हम फार्मूला कौन सा पुट करेंगे, यहाँ पे सेम फार्मूला है, सम इफ्स का थोड़ा सा चेंज है उसमें, इक्वल्स सम इफ्स, इस रेंज को हम देखना चाह रहे हैं कॉमा, इस रीजन में रहते हुए कॉमा, किस रीजन में है, साउथ में, साउथ वाला रीजन आ गया। अब ये था हमारा पहले वाला काम, हमने सेल डिटेल, अब किस चीज की देखना चाह रहे हैं कॉमा, किस चीज की देखनी है, अब फर्नीचर की, तो ये कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कॉमा फर्नीचर की और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास जो डिटेल आएगी ये जो है ये शो कर रही है हमें, इसके फॉर्मेट करते हैं, ये जो सेल डिटेल आई है ये फर्नीचर की आई है साउथ रीजन में। अगर हम यहां पे साउथ रीजन में ये देखें तो ये साउथ रीजन है, ये साउथ रीजन है और उसके अलावा ये साउथ रीजन है। अब फर्नीचर की थी तो फर्नीचर की सेल डिटेल ये है हमारे पास और यहां पे भी सेम है। अब चेक करते हैं ऑफिस सप्लाईज की, इक्वल सम इफ्स, वेस्ट में देखना चाह रहे हैं हम, तो ये इसका मतलब है इस रेंज को हम देखना चाह रहे हैं रीजन वाली रेंज में, किस स्पेसिफिक रीजन में, वेस्ट रीजन में, और किसके अकॉर्डिंग देखनी है, इसके अकॉर्डिंग कॉमा, किस चीज की देखनी है, ऑफिस सप्लाईज की, वेस्ट में ऑफिस सप्लाईज की देखनी है, ऑफिस सप्लाईज को क्लिक करते हैं एंड एंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास वेस्ट में ऑफिस सप्लाईज की जो सेल डिटेल वो $77,223 है। इसके बाद आप नॉर्थ में देखते हैं तो इसका फॉर्मूला आएगा सम इफ्स, ये सेल की रेंज देखना चाह रहे हैं हम, इस रीजन में रहते हुए कौन सा रीजन है नॉर्थ, अब नॉर्थ को सिलेक्ट करते हैं, इस रीजन में देखनी है हमने फर्नीचर की, तो नॉर्थ में फर्नीचर ये है, तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सेल डिटेल आ जाएगी फर्नीचर की, किस रीजन में, नॉर्थ रीजन में। इक्वल सम मैप्स, सेल डिटेल देखेंगे इसकी कॉमा, इस रीजन में रहते हुए किस रीजन की है, स्पेसिफिक सेंट्रल की, इस रीजन में हमने देखनी है ऑफिस सप्लाईज की, ऑफिस सप्लाईज देखेंगे, एक सेंट्रल ये है और एक ये, ऑफिस सप्लाईज पे क्लिक किया, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी ऑफिस सप्लाईज की सेंट्रल रीजन में। इस तरीके से हम स्पेसिफिक रीजन की सेल डिटेल भी हमने चेक की है और स्पेसिफिक रीजन में स्पेसिफिक कैटेगरी की सेल डिटेल भी हम सेपरेटली चेक कर सकते हैं। ये है मेथड सम इफ्स फार्मूला को यूज करते हुए।